नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जे के इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आपका फिर एक वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग का CRT टेलीविज़न आया हुआ है, जो कि प्रॉब्लम आप देख रहे हो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें दोस्तों G2 अप डाउन करके भी इसमें रास्टर नहीं आ रहा, स्नो नहीं बन रही है, कोई पिक्चर नहीं है और ना ही इसमें कोई डिस्प्ले बन रही है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें किसकी वजह से हमारा पिक्चर नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पर आप बने रहिए और देखते रहिए JK इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें ये वाली किट लगी हुई है, ओरिजिनल सैमसंग का CRT TV है। दोस्तों ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि हमारा TV स्टैंड बाई हो जाता है लेकिन आगे स्नो नहीं बनती। G2 ओपन करने पर इसमें ज़्यादातर हमारा रिटलेस लाइन आती हैं और स्नो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। दोस्तों इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, कई प्रॉब्लम की वजह से ये वाला हमें फॉल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी पिक्चर 2 का G2 या डाउन हो जाओ, पिक्चर 2 डाउन हो जाए या कोई सा कलर हमारा मिसिंग हो जाए या कम हो जाए, तो आपको इस पर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इस पर खाली रिटलेस डिज़ाइन दिखाई देंगी लेकिन इस पर कोई हमारी स्नो नहीं बनेगी। इस कंडीशन में हमें ये वाले फॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके G2 से मैंने आइडिया लगाया, इसके कैथोड भी शॉर्ट चेक करके देखे तो इस पर प्रॉपर हमारे कैथोड बन रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम जो है सैमसंग में सबसे ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमको ये वाला फॉल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको इस पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको ये G2 डाउन करना है, हल्का हल्का डाउन करते जाना है। और डाउन करने पर हमें यहाँ पर इस पर पिक्चर दिखाई देनी चाहिए डाउन पर ले जाते समय। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्रोग्राम का बटन प्रेस करते रहना और डाउन करते जाना है G2। अगर जो हमारी पिक्चर बनती है ये वाला आपको प्रोग्राम प्लस का या माइनस का बटन प्रेस करते जाना है। जहाँ भी आपका G2 आ जाए तो आपको ही रुक जाना है और इस तरीके से इसका G2 सेट होगा। लेकिन दोस्त जहाँ भी आपको इस पर स्नो दिख जाए वहीं आपको रुक जाना है। हल्का हल्का ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला स्क्रीन वाला है, इसको हल्के हल्के आपको घटा बढ़ा के डाउन में ले जाके चेक करना है कि हमारी पिक्चर बनती है या नहीं बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यह वाला आपको बटन प्रेस करते जाना है इस तरीके से प्रेस करते जाना और दूसरे हाथ से आपको G2 हल्के हल्के डाउन करते जाना। अगर जो हमारा स्क्रीन आ जाती है तो आपको वहीं रुक जाना है, नहीं तो इसमें और कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका स्क्रीन वाला स्क्रीन एडजस्ट करनी है। उसके बाद भी नहीं आती है पिक्चर तो आपको सीधे कहाँ पे चलना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद भी इसमें पिक्चर नहीं बन पा रही है तो अब हम इसके वोल्टेज मेजर करेंगे कि देखते हैं इस पर हमारे कोई वोल्टेज मिसिंग तो नहीं है। अब मैं इस पर दोबारा यहाँ पर आ गया हूँ बेस प्लेट पर। देखिए तो अब मैं इसके बेस प्लेट पर आ गया हूँ। अब हम यहाँ पर मैंने मीटर 200 की रेंज में सेलेक्ट कर लिया है और सबसे पहले दोस्तों हम इसकी ड्राइव चेक करते हैं और ड्राइव चेक करके देखते हैं कि हमारे कौन से वोल्टेज इसमें मिसिंग है जिसकी वजह से इसमें पिक्चर नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम इसके कैथोड के वोल्टेज चेक करते हैं, इस पर प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। देखिए 1.9 वोल्टेज इस पर हमें शो हो रहे हैं और नेक्स्ट पर देखते हैं इस पर भी 1.9 वोल्टेज शो हो रहे हैं, इस पर भी 1.9 वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं
आई के वाला एक जो आईसी को ड्राइव देता है हमारा, उस पर चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं तो इस पर भी हमें 1.5 वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें हमारी पिक्चर नहीं दिख रही। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोबारा से इसको G2 को डाउन में करेंगे। स्क्रीन हमारी ब्लैक होनी चाहिए। हम दोबारा से इसके सेलेक्ट करेंगे वोल्टेज, और स्क्रीन के साथ साथ हमें कम से कम ये दोस्तों हमें 2 से 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए, तब हमें पिक्चर मिलेगी। ये वाले वोल्टेज जो दोस्तों हमें आप देख पा रहे हो, ये वाले वोल्टेज जो हमारे नीचे से आईसी पे से जो आएंगे, हमारे 2 से 2.5 वोल्टेज होने चाहिए, तब हमें यहाँ पर पिक्चर दिखेगी। तो उसके लिए दोस्तों हमें, आप देख रहे हो ये वाला स्क्रीन जो है, इसको सेट करना होगा। स्क्रीन सेट करना होगा जहाँ पे हमारे 2 से 2.5 वोल्टेज आ जाएँ, आपको वहाँ पर छोड़ देना है। मैं इसको डाउन करता हूँ, हल्का डाउन करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर डाउन किया है, और अब दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए इस पर हमें 2.5 वोल्टेज मिल गए हैं। अब हमारी यहाँ पर पिक्चर बन जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी पिक्चर नहीं बन पा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी को सीधा करके दिखाता हूँ। देखिए इस पर भी हमें अभी पिक्चर नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों इसमें इसका मतलब कोई अभी भी फॉल्ट है, कोई इसका मतलब है दोस्तों, हमारे नीचे से जो आईसी की ड्राइव जो आ रही है दोस्तों, इस आईसी से, इस वाली आईसी से जो हमारे वोल्टेज बन रहे हैं, इस वाली आईसी से, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाली आईसी हमारी, ये वाली आईसी हमारी वर्क कर रही है, लेकिन हमारी उसके बाद भी हमारी पिक्चर नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों अब हम आई के पर आ जाते हैं, आई के जो कि हमारी आईसी को कमांड देते हैं, इस 6107 को कमांड दे के हमारा रास्टर बनता है। यहाँ पर चेक करते हैं दोबारा है कि हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं। देखिए दोस्तों इस पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। मैंने इसका G2 डाउन किया, स्क्रीन डाउन करी है, लेकिन कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जीनर लगा हुआ है, सबसे पहले इसको चेक करता हूँ कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। और चेक करने से पहले मैं इस पर शॉर्टिंग चेक करता हूँ कि हमारी कोई शॉर्टिंग तो नहीं बोल रही है। देखिए मैंने मीटर कंटिन्यूटी की रेंज पर लगा लिया। देखिए इस पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन इस पर G2 डाउन करने पर वोल्टेज, हमारे कोई वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। या तो दोस्तों ये नीचे से हमारे आईसी के पास से वोल्टेज, आई के वाले वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग है। तो इस पर बीप भी नहीं बोल रहा दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, पहले इस आईसी की पिन ओपन करके देखता हूँ कि हमारे वोल्टेज, इस आईसी की ओपन पिन ओपन करके देखता हूँ कि वोल्टेज आते हैं या नहीं आते। उसके बाद मैं इस जीनर को ओपन करता हूँ कि हमारे वोल्टेज आते हैं नहीं आते। सबसे पहले दोस्तों मैं इस जीनर को ओपन करता हूँ, और ओपन करके चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। दोस्तों मैंने इसके ये वाला आईसी की 6107 की पिन ओपन करके देखी, तब भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिले। उसके बाद दोस्तों मैंने ये वाला जीनर जो है ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं वोल्टेज चेक करता हूँ इस पर। देखिए कितने वोल्टेज आते हैं हमारे, देखिए इस पर 5 से 7 वोल्टेज आते हैं, जो कि मैं इसको टच करता हूँ, देखिए इस पर ये 1.5 वोल्टेज रह जाता, जो कि आप स्टार्टिंग में देख रहे थे 1.5 वोल्टेज रह जाता, लेकिन जबकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब मैंने इसको यहाँ से मिलाया तो हमारे 1.5 वोल्टेज हो गया, और मैंने इसको हटाया तो हमारे इस पर 5-7 वोल्टेज हो गए। और दोस्तों इसका मतलब अब हमारी आगे स्क्रीन आनी चाहिए। अब मैं इस पर कैथोड के वोल्टेज चेक करके देखता हूँ कितने आते हैं हमारे। देखिए 156 वोल्टेज हमारे इस कैथोड पर दिख रहे हैं, इसका मतलब अब हमारी स्क्रीन आ जानी चाहिए। अब मैं इसको सीधा करके देखता हूँ दोस्तों कि हमारी स्क्रीन आती है नहीं आती है। देखिए दोस्तों इस पर हमारी स्क्रीन अब आ चुकी है दोस्तों जीनर। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इसको कैसे ठीक किया।
दोस्तों वो जिनर प्रॉब्लम कर रहा था जिसकी वजह से इस पर हमारा स्क्रीन नहीं बन पा रही थी, ये वाला रास्टर नहीं बन पा रहा था दोस्तों, उसकी वजह से हमें इस पर कोई पिक्चर नहीं दिखाई दे रही थी। दोस्तों सैमसंग के टीवी में ज़्यादातर ऐसी ही प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे ऐसे फॉल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं ऐसे ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए ला सकूं और आपको CRT टीवी रिपेयर करने में भी आपको कोई दिक्कत ना आ सके। दोस्तों यहीं पर भी मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।